पहले तो अपना परिचय दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर पारितोष कुमार है। मैं जिला परिषद संख्या 5 से, जिसके अंतर्गत छोटा गोविंदपुर, घोड़ा बांधा, राधिका नगर, बारी नगर, खड़ंगा जाड़ का क्षेत्र आता है, उससे आज अपना नामांकन दाखिल करने आया हूँ जनता के आशीर्वाद से। गोविंदपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी हो गई, बिजली हो गई और भी बहुत अन्य मेडिकल को लेकर, उन सब के लिए क्या सोचा है आपने? जी, हम लोग बहुत जल्द अपने संकल्प पत्र के माध्यम से गोविंदपुर की जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से मैंने गोविंदपुर के लिए बहुत सारा आंदोलन किया है, उन आंदोलन को दिखाते हुए और आने वाले दिनों में जो आंदोलन करेंगे, जिसमें प्रमुख आंदोलन है कि गोविंदपुर जो जलापूर्ति योजना है उसमें रोड में पानी बह रहा है, हजारों लीटर पानी इस गर्मी में रोज बह रहा है और 200 करोड़ रुपया वो ले कर चले गए हैं जो कॉन्ट्रैक्टर थे। दूसरा हम लोगों का बहुत बड़ा योजना है कि जैसे आप देखिएगा कि गोविंदपुर हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण 50 वर्ष पूर्व हुआ था और आज वहाँ ड्रेनेज और सीवरेज लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। आज वहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी के लोगों का जो मल मूत्र है वो नालियों में बह रहा है, इससे गोविंदपुर के लोगों का स्वास्थ्य में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और वहाँ का जो आप देखिएगा कि एवरेज लाइफ भी बहुत कम हो रहा है। चारों तरफ पॉल्यूशन है, टाटा कंपनी का जो भी टाटा पावर और लफार्ज का पॉल्यूशन से लोग दम्मा, आप देखिएगा कि गोविंदपुर के लोग दम्मा और कैंसर, स्किन कैंसर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सब समस्याओं को लेकर साथ साथ गोविंदपुर में जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, जैसे स्वास्थ्य उपकेंद्र बन के पड़ा हुआ है घोड़ा बांधा में और जो शहरी स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसमें मात्र 2 घंटा के लिए डॉक्टर आते हैं, जो विभिन्न स्कूल हैं, जो मानते हैं आदर्श विद्या निकेतन का स्कूल है तो उसकी 4 दीवारी नहीं है, बच्चों के लिए शौचालय का नहीं है, तो इन सब समस्याओं को लेकर शिक्षक नहीं है। तो ये जो मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आप सड़क की बात करते हैं तो आप अगर डिस्पेंसरी मोड़ से लेकर अगर राम मंदिर और फाटक तक जाते हैं तो मतलब आप अगर आपका बाइक 1 महीना चलेगा तो उसका सॉकर खराब हो जाएगा। अगर कोई महिला प्रसूति दर्द से अगर अस्पताल जाने के लिए निकलती है तो उस सड़क से उनका हो सके कि वह प्रसूति व उनका गाड़ी में ही हो जाएगा। तो यह सब जो सड़क की समस्या है, 64 करोड़ रुपया का एक गोविंदपुर पिपला हाईवे है वह भी बंद पड़ा हुआ है, वह काम 2 साल से नहीं चल रहा है सरकारी उदासीनता के चलते। रेलवे ओवरब्रिज जिसमें गोविंदपुर और बड़ा गोविंदपुर के लाखों लोग रोज प्रभावित होते हैं, वहाँ रोज गाड़ियाँ 150 के करीब गाड़ियाँ जाती है और तो अभी तक रेलवे ओवरब्रिज जब 3rd लाइन बन जाएगा तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएँ हैं। उसके बाद आप अगर घोड़ा बांधा, राधिका नगर और खड़ंगा जाड़ के क्षेत्र में आते हैं तो जो कूड़ा निस्तारीकरण की बात है, वह कूड़ा निस्तारीकरण आपका कोई व्यवस्था ही नहीं है। सारे लोग घर में कचरा फेंकते हैं और उसको फेंकने की कोई जगह नहीं है। आज सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता है देश को। तो हम लोग और मैंने MSc के बाद, PhD करने के बाद, लॉ और BEd करने के बाद अगर मैं सामाजिक जीवन में आया हूँ, अपनी मेरी नौकरी भी हुई थी उनको छोड़ते हुए, तो समाज के लिए कुछ करने के लिए आया हूँ। इसी आशा और उम्मीद से मुझे लगता है कि गोविंदपुर की जनता इस बार मुझे देगी और विगत 20 दिनों से अपने जो 20 वर्षों के कार्य है उसको लेकर मैंने जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूरे गोविंदपुर और राधिका नगर और बारी नगर के का लगभग 7,000 घरों का दौरा किया है और एक पंपलेट बनाकर 7,000 घर में अपने जो पिछले कार्य हैं उसको दिया है। तो और मुझे बहुत ही जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों का आशीर्वाद मिला है और बहुत सारी समस्याएं बारी नगर को, जैसे बाईपास सड़क की समस्या है, राधिका नगर में कंजेस्टेड बाजार की समस्या है, तो इन सब समस्याओं को लेकर मैं जनता के बीच हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।